Assalamualaikum guys, hope so you guys are doing good. So welcome to lecture number 24 of our web development course. Aaj ke is lecture mein hum padhenge ki how to perform AJAX calls through JavaScript and PHP. AJAX call basically kya hota hai? Ki aap page ko refresh kiye bagair apna PHP ka code run kare. For example, aap Facebook pe comment post karte hain, aapka page refresh nahi hota, lekin aapka सबमिटेड डाटा जाता है और ऊपर पोस्ट भी हो जाता है. सो दिस इज द मोस्ट बेसिक एंड कॉमन एग्जांपल ऑफ एजेक्स. सो अभी हम आज के लेक्चर में कॉन्टेक्ट अस फॉर्म सबमिट करेंगे थ्रू एजेक्स. तो मैंने एक कॉन्टेक्ट अस फॉर्म बना लिया है विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप. सो इट इज वेरी सिंपल. अब हम नेक्स्ट अपने काम की तरफ आते हैं. जेक्यूरी का हम इसमें यूज करेंगे और जेक्यूरी के साथ एजेक्स कॉल करेंगे और एक और फाइल पे हम डाटा इसका पार्स करेंगे. वहां पे PHP का कोड रन होगा, हम रिस्पॉन्स बैक करेंगे और अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे. तो देखते हैं कि ये कैसे होगा. तो चलते हैं अभी अपने कंटेंट की तरफ. सबसे पहले मैं अपने इस फॉर्म की क्या कहते हैं सबमिशन को कर दूंगा फॉल्स. कि जब हमारे पास ये सबमिट हो तो बेसिकली ये क्या कहते हैं पेज रिफ्रेश ना हो बल्कि सबमिट ही ना हो. लाइक लेट्स से पेज रिफ्रेश हो रहा है, ये चीज हम इसको फॉल्स कर देते हैं. सो मैंने कहा ऑन submit is equal to return the request. So मैंने एक फंक्शन बना लिया यहाँ पे और मैंने कहा उसको jQuery हमारी ऑलरेडी included है, so it will fine. So dollar इसमें हम बनाते हैं फंक्शन validate. So हमने कहा dollar document dot ready with a function. एंड देन हम यहाँ पे आएंगे और आके क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे फॉल्स. सबसे पहले रिटर्न फॉल्स देखते हैं किस तरह काम करेगा. सो एक दफा फॉर्म फिल करते हैं और सबमिटिंग. तो हमारी फॉर्म सबमिशन फॉल्स हो गई है और हम इसमें डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन आप लगाएंगे और उसका अलर्ट चेक करेंगे इधर बग्स और नॉट. सो इसमें हमारे पास हमारी जेक्यूरी का कोड वर्क नहीं कर रहा जिसका कोई इशू है. सो फेल टू फाइंड अ वैलिड डाइजेस्टेड इंटेग्रिटी. ओके सो हमारे पास इसको हम रिमूव करेंगे तो ये वर्क फाइन करेगा कोड हमारा. अब टेस्ट करते हैं. सो इट वर्क्स फाइन. ओके जी लेट्स मूव करते हैं अब हम अपने कोड की तरफ. और यहाँ पे मैं अपनी इन सारी फील्ड्स को बेसिकली क्या दे दूंगा आईडीज दे दूंगा. सो इसको मैं आईडी देता हूँ नेम. आईडी इज इक्वल टू नेम. आईडी इज इक्वल टू ईमेल. आईडी इज इक्वल टू सब्जेक्ट. And here ID is equal to message. और मैं यहाँ पे एक बना लूंगा div alert alert danger and alert success. So basically ये हमारे पास इतना डिस्प्ले होगा. हम इसमें बेसिकली करेंगे क्या यहाँ पे मैं डाटा शो कर रहा हूँ. मैं कहता हूँ my hidden. मैं अपनी एक क्लास बना रहा हूँ my hidden के नाम से. बूटस्ट्रैप भी हाइड करने वाली क्लास यूज नहीं करेंगे. फिर वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है वो डिस्प्ले नहीं होती क्योंकि उसको इन्होंने इंपोर्टेंट करके हाइड किया हुआ है. सो डिस्प्ले नन. हियर वी गो. सो ये हमारे पास हाइड हो गया है. अब हम बेसिकली क्या करेंगे यहाँ पे वेरिएबल नेम इज इक्वल टू डॉलर हैश नेम डॉट वैल्यू का फंक्शन कॉल करेंगे. अपने सारे यहाँ पे वेरिएबल्स का डाटा हम कॉल कर लेंगे. सो ईमेल सब्जेक्ट एंड मैसेज. मैंने डाटा यहाँ पे बेसिकली क्या किया कॉल कर दिया. सो एमएसजी एसपीजे ईमेल हम इन नाम से वेरिएबल में डाटा स्टोर कर रहे हैं. पहले एक दफा इसको अलर्ट करवा के चेक कर लेते हैं हमारे पास डाटा हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा. अलर्ट नेम प्लस ईमेल प्लस एसपीजे प्लस मैसेज. सो चेक करते हैं अभी.
सो जो जो हमने डाटा लिखा, सारे का सारा डाटा हमारे पास वहां पे एक्सेस हो चुका है। अब हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, बेसिकली अब हम एजेक्स कॉल करेंगे। एजेक्स कॉल कैसे करेंगे, हमारे पास बेसिक सा कोड होता है एजेक्स का, जिसमें ये कुछ चीजें होती हैं। एजेक्स हम इस तरह लिखते हैं, इसके बाद आपके पास दो चीजें आती हैं, एक तो आपका आएगा यूआरएल जहां पे आपने इसको पोस्ट करना है। तो मैं एक यहाँ फाइल बना लेता हूँ, sendMessage.php, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे यूआरएल को रख दिया। देन हम यहाँ करेंगे मेथड, मैं कहता हूँ मेथड जी आप कर दो गेट मेथड, फिर यहाँ पे कॉमा आएगा, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं बेसिकली हम इसका। फिर डाटा आएगा यहाँ पे जो आपने बेसिकली डाटा भेजना है। अब डाटा आपने कौन कौन सा भेजना है, सो वो डाटा हमारे पास है ये वाला, मैंने कहा सेंडर नेम। आप जिस तरह मर्जी नाम रख लें, इवन आप इस तरह रख लेते हैं, बल्कि आसान होगा हम यही नेम यूज कर लें, लाइक ईमेल SPJ message। सो हम सेम नेम यूज कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल, क्योंकि जो आगे वाला आ रहा है राइट साइड पे ये वेरिएबल है जो ऊपर डिक्लेयर्ड है, और लेफ्ट साइड पे वो वेरिएबल है, वो नाम है जिससे हमने डाटा आगे पास करना है टू जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे आएगा कॉमा, हमारे पास सक्सेस फंक्शन, और जो हमारे पास डाटा हमें वहां से इस फाइल से सेंड मैसेज और PHP से रिसीव होगा, वो हम यहाँ पे गेट करेंगे और उसको यहाँ पे एक दफा अलर्ट करवाएंगे। कैसे अलर्ट, मैं कहता हूँ डाटा एक दफा चेक करते हैं बेसिकली हुआ क्या। मैं यहाँ पे कहता हूँ इको हाय देयर, चेक करते हैं हमारे पास एजेक्स कॉल जा रही है नहीं जा रही है, और मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली एजेक्स कॉल जाती कैसे है। सो हाय देयर का डाटा हमारे पास इस फाइल वाला आ रहा है, कैसे आ रहा है इस पर जरा देखते हैं। मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा, नेटवर्क में आऊंगा। सो नेटवर्क में आने के बाद यहाँ पे मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो मैंने देखा यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आई है सेंड मैसेज के नाम से, मैं ओके करता हूँ। तुम यहाँ पे देखते हैं रिक्वेस्ट आई है लोकल होस्ट स्लैश यूट्यूब स्लैश सेंड मैसेज डॉट PHP क्वेश्चन मार्क नेम इज इक्वल टू मुजाहिद फरूकी मेल एंड ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ से गई है, और ये इस पेज पे रिक्वेस्ट आई है, और वहां पे हमारे पास वहां से हमें क्या रिस्पॉन्स मिला है, हाय देयर का मिला है। अब जो भी हम PHP का कोड लिखेंगे ना बेसिकली वो वहां पे जाएगा, तो इसको जरा प्रोफेशनल कर लेते हैं, आप अपना प्रॉपरली इसको यूज करते हैं जिस तरह हमने करना। मैं इंक्लूड करूंगा यहाँ पे कनेक्शन डॉट PHP एंड देन आई विल चेक इफ इस सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट नेम, अगर मेरे पास नेम सेट है तो बाकी भी आ रहे हैं, मुझे बाकियों को वन बाई वन मैथली चेक करने की जरूरत नहीं है। सो डॉलर नेम इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट नेम, सो यहाँ पे ईमेल है नेक्स्ट SPJ एंड मैसेज का वेरिएबल बना लिया, सब्जेक्ट का वेरिएबल बना लिया हमने यहाँ पे एंड ईमेल का वेरिएबल बना लिया। सो यहाँ तक तो ये काम हमारा हो गया, हमने टेबल तो बनाया नहीं, तो हम यहाँ टेबल बनाएंगे आके नया, न्यू टेबल विल बी देयर मैसेज जी, यहाँ पे हम रख लेंगे MID नेम ईमेल सब्जेक्ट एंड एक और हम यहाँ पे कॉलम ऐड करेंगे मैसेज का, और वॉचर वॉचर ओके जी, इसको हम रख लेते हैं 256 256 सेम, इसको हम रखते हैं 1024, इसको हम 5000 रख लेते हैं। सो ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे, प्राइमरी की बन जाएगी, इसको हमने सबमिट किया, हमारा टेबल बन गया। अब मैं यहां से सारा कुछ कॉपी कर लूंगा ताकि मुझे लिखने में आसानी हो। सो डॉलर क्यूरी इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी डॉलर DB इंसर्ट इनटू मैसेजेस। सो ये हमारे पास टेबल है मैसेजेस का, इसमें हम ये डाटा भेजेंगे कॉमा सेपरेटेड एंड वैल्यूज आएंगे हमारे पास हमारी सिंपली PHP वाली, डॉलर नेम डॉलर ईमेल डॉलर सब्जेक्ट एंड डॉलर मैसेज।
नेम, ईमेल, सब्जेक्ट एंड मैसेज, दैट्स ऑल। अब हम यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाएंगे, इफ डॉलर ट्रूली, देन मैं कहूंगा इको आप करवा दो यहाँ पे सक्सेस, एल्स इको फेल्ड, ये हमारे पास रिटर्न जाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे चेक लगाएंगे इफ डेटा इज इक्वल इक्वल टू सक्सेस है ना, तो ये ब्लॉक चले, एल्स ये ब्लॉक चले कैसे। और हम यहाँ पे काम करेंगे बेसिकली इधर आईडी देते हैं, टाइप सबमिट फॉर आईडी इज इक्वल टू एसबीटीएन। ये इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, जब हमारे पास ये फॉर्म सबमिट हो यहाँ पे हम करेंगे डॉलर हैश एसबीटीएन डॉट, अच्छा हमने कहते हैं इसको, इसमें आई थिंक फॉर्म्स हमने वो किट इंक्लूड नहीं करवाई हुई फॉर्म्स वाली, सो आई विल इंक्लूड माई किट हेयर fontawesome.com हेयर। Fontawesome की मैंने आपको अच्छे से इसके बारे में गाइडलाइन किया हुआ है इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स, सो मैं अपने यहाँ से किट पे आके किट इंक्लूड करूँगा अपनी ये वाली। Here I have copied the kit code और इसको मैं यहाँ इंक्लूड करूँगा, that's it। So मैं क्या करूँगा sbtn dot value, value क्यों आएगा क्योंकि input type submit है, so इसकी value में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम input नहीं use करेंगे, हम use करेंगे यहाँ पे button, button type is equal to submit use करेंगे, button type is equal to submit, id is equal to sbtn, सारी चीजें ऐसे ही आएंगी। मैसेज ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये बेसिकली आउटसाइड इंट आ जाएगी, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वैल्यू इसकी यहाँ पे प्रिंट होगी। सो बटन दिस इज द थिंग, अब हम इसको HTML करेंगे क्योंकि हमने इसकी टाइप बटन कर दी है, सो इसके अंदर HTML क्या हो जाएगा, आई क्लास इज इक्वल टू एफ ए ए स्पिनर एंड एफ ए स्पिन, एफ ए स्पिनर से स्पिनर आएगा और एफ ए स्पिन से वो गोल गोल घूमेगा, ठीक है। और नॉर्मली हमारे पास की वैल्यू क्या, सेंड मैसेज, और जब हमारे पास दोनों केसेस में जब हमारे पास रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी वहां से रिस्पॉन्स आ जाएगा, हम कहेंगे एस बी टी एन का एच टी एम एल क्या हो, सेंड मैसेज, ठीक है। ओके सेकंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको आईडीज देंगे जो हमने हाइड किए हुए हैं, आईडी इक्वल टू एससीसी कर लेते हैं, आईडी बेसिकली इसको ईआरआर कर लेते हैं एरर को, आईडी इक्वल टू एससीसी, सो इनका हम क्या करेंगे सक्सेस पे एससीसी का एचटीएमएल हम करेंगे मैसेज सेंड सक्सेसफुली, ठीक है। और इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे err.html unable send message, मोर ओवर ये कि हम इनको डिस्प्ले करवाएंगे किस तरह, लाइट से हम कहते हैं फेड इन और err भी फेड इन, ठीक है। लेट्स हैव अ चेक ऑफ इट कि ये चीज़ हमारे पास प्रॉपरली काम करती है नहीं करती है, तो मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा, दिस इज टेस्ट, दिस इज टेस्ट, ओके अनएबल टू सेंड मैसेज, हमारे पास आपने देखा कि एक सेकेंड के लिए ये हमारे पास गायब हुआ था, सो अब हम अपना नेटवर्क चेक करते हैं, रिक्वेस्ट चेक करते हैं और देखते हैं, ओके जी अनडिफाइंड वेरिएबल गेट, हमारे पी एच पी में एरर्स आ रहे हैं कुछ, ओके डॉलर अंडरस्कोर गेट करना था हमने, वी हैव मेड अ मिस्टेक हियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा जी यहाँ दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करेंगे हम, नई रिक्वेस्ट में हमने देखा मैसेज सेंड हो गया, दोबारा टेस्ट करते हैं इसको, सो वी हैव मैसेज सेंड सक्सेसफुली एंड हमारे पास यहाँ पे हमारी सर्विसेज मैसेजेस आ रहे हैं एंड इट्स वर्किंग फाइन। सो दिस इज हाउ
हमारे पास सिस्टम काम करता है, और मोर ओवर ये है कि हम फॉर्म को रीसेट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फॉर्म को आईडी देनी होगी। लेट्स से आईडी इज इक्वल टू माय फॉर्म, एंड देन आप करोगे यहाँ पे सेंड सक्सेसफुल होने पे डॉलर हैश माय फॉर्म डॉट रीसेट। सो इसको ट्राई करते हैं, चेक करते हैं। रीसेट फॉर्म, दिस इज रीसेट। सो मैसेज सेंड सक्सेसफुली, बट आई गेस हमारा फॉर्म अभी भी रीसेट नहीं हुआ। रीसेट हमारे पास आई गेस इसका और मेथड होता है रीसेट फॉर्म, उसमें अरे आती है आई गेस, इंडेक्स लगाना पड़ता है हमें। आई फॉरगॉट अबाउट इट। सो ये मेथड है हमारे पास, हम इसमें जीरो साथ लाजमी लगाएंगे लाइक दिस। एक और टेस्ट करते हैं। फॉर्म हमारा रीसेट हो गया। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, एंड मोर ओवर हमारा बेसिक वेब डेवलपमेंट का कोर्स यहीं पे एंड होता है। सो होपफुली आप लोगों ने इस कोर्स को एंजॉय किया होगा और इससे आपको भरपूर सीखने को मिला होगा। अगर तो आपने इसको बेनिफिशियल पाया और आपके लिए वाकई ही ये हेल्पफुल साबित हुआ ये कोर्स, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। उसके अलावा अब आगे एडवांस फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट एंड कंप्लीट प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कोर्स शुरू होने जा रहा है, जो कि मेरे दूसरे चैनल मुजाहिद फारूक के नाम से है। उसके ऊपर वहाँ पे ये कोर्स करवाया जाएगा। उसी के साथ साथ SEO, लोगो डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड इस तरह के सारे कोर्सेज वहाँ पे मजीद आ रहे हैं। सो सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल एज वेल एज सब्सक्राइब मुजाहिद फारूक चैनल एज वेल। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।